क्या क्या शॉपिंग करा रहे हो आज? हम ना आपका हर रोज ब्लॉग देखते हैं। तो मैं हमेशा ही जब प्याज वगैरह भूनती हूँ ना तड़के में, तो थोड़े मसाले तब डाल लेती हूँ, और बाकी के मसाले मैं डालती हूँ जब मैं इसमें कढ़ी के लिए जो दही में बेसन घोलते हैं ना, उसमें भी कुछ मसाले ऐड करके पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ, तो वो सारे अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और अच्छे से बन भी जाती है कढ़ी, एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है उसका। तो गाइज़ आपको ना एक दिन पुरानी वीडियो दिखाती हूँ, एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और ना आजकल मेरा मन ऐसे रहता है कि उसमें पड़ी रहूँ, थकावट तो खैर रहती है, बॉडी में परेशान सी भी रहती हूँ, और ना किसी चीज़ को मन नहीं करता। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरी शक्ल देख सकते हैं, बस जो काम होता है उस टाइम थोड़ी सी रेडी होती हूँ, फिर वापस से वैसे ही पड़ जाती हूँ बेड पर। तो दीदी ना हमारे घर में अगर देखे गए, जैसे होता है कोई जाना बीमार है तो उसको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा ही करेगा कुछ है, लेकिन अगर बंदा बेफालतू की टेंशन में है, परेशानी में है ना, तो उसकी वो चीज़ों को दूर करने के लिए ना हमारे घर में ये होता है कि सब लोग उसकी एक परेशान, मतलब जो एक परेशान है उसकी परेशानी को दूर करने के लिए पूरा घर लग जाता है, जैसे कि मम्मी, दीदी और ये दोनों भाई, पापा, सब, मतलब एक छोटे से लेके बड़े तक हर इंसान को ना उस एक पर्सन की इतनी केयर रहती है कि यार ये क्यों परेशान में है। अब कहीं और मैं होती ना तो मुझे पक्का श्योर था, देखिए इंसान एक होता है कि परेशान है, चलो खाना पीना दे दिया ठीक है, पर वो अकेला पड़ा है ना तो पड़ा ही रहने, तो मतलब ठीक है अपना करेगा, मैं अपना काम देखूँ या क्या हमारे घर का डिस्कशन करते हैं काम कर रहा है, तो फिर ना ऐसे परेशानी में क्यों है, कैसे इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि कोई भी पर्सन है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मतलब कोई भी अगर तंग है ना तो क्यों तंग है, तो उसको मतलब बैठ के मेंटली और उसकी जो चीज़ें हैं इमोशनली उनको हील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरे साथ यही हुआ और इस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे जितना सपोर्ट करा है ना गाइस, तो बताती हूँ, देखिए फ्रेंड्स वगैरह ने तो, जो अब मेरी अच्छी अपनी और सच्ची फ्रेंड्स हैं वो तो सब सामने आई हैं इस टाइम पे, देखने को मिला है उनका प्यार और सपोर्ट, और बाकी जो फैमिली है ना, सबसे पहले तो हमारी फैमिली होती है कि यार वो हमें सपोर्ट कर रही है, एक तरफ से वहाँ से शांति है, सुकून है, तभी अच्छा लगता है कि कोई बाहर से या फिर कोई अदर भी, इवन मायके से भी जब कोई सपोर्ट करे ना तब अच्छा लगता है कि हाँ अगर मैं ससुराल में संतुष्टि से रह रही हूँ। तो दीदी ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया ना और मम्मी ने, तो देखिए दो तो मेन लेडीज़ का ही रहता है, जेंट्स आपके चाहे हस्बैंड भी हैं कितना ही सपोर्ट कर लें, लेकिन आपकी देवरानी, जिठानी, नंद, भाभी अगर वो हर टाइम मुँह बनाए रखते हैं ना, तो गाइस एक ना मेंटली स्ट्रेस अलग से रहता है, अपनी चीज़ों की परेशानी अलग रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दीदी ना और मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि देखिए हेल्थ तो मेरी ठीक है, चल ही रही है, रेस्ट में कर ही रही हूँ, पर उन्होंने कहा कि जा पहले अपने ना थोड़ा हेयर वेयर ठीक करा, गया बाल वाल ठीक करा, और फिर इन लोगों ने प्लान बनाया घूमने का, देन हमारी प्लानिंग शुरू हुई घूमने की। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ना तो घूमने का ना बाल कराने का, हेल्थ इशू की वजह से नहीं, मेरा मन ही नहीं था, बट यहाँ पर ना इस टाइम सबको लगा कि यार बस एक ना थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज चाहिए, तो उन्होंने कहा पहले तो अपना थोड़ा सा हुलिया सुधारो, ऐसे बिगाड़ के बैठी हुई हूँ ना, मैं बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ ना, बालों की कोई केयर कर रही हूँ, ऐसे हो गए थे वो, और इस टाइम पे जितना मेरे ना आप समझते ही हैं, इस टाइम पे जैसे मिसकैरेज के बाद कितनी हालत ख़राब होती है, तो और बहुत वीकनेस ही हो गई थी, डल पड़ गई थी, डार्क सर्कल हो गए हैं, मतलब कुछ ही दिनों में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है मेरी। तो मैंने बोटॉक्स और हेयर स्पा कराया बालों में, और उससे ना काफ़ी अच्छा सा लगा, फील हुआ, फ्रेश सा फील हुआ। फिर सबका जो प्रोग्राम था आगे, सब ने कहा कि नहीं घुमा के लाओ, खासकर जीजू ने, दीदी ने, मम्मी ने, सब ने बोला कान्हा के पापा से घुमा के लाओ। वैसे तो वो हमेशा यार राजी रहते हैं कि मैं चली जाऊँ, बट इस टाइम पर मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं खुद ही टलाई जा रही थी, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। फिर सब ने बोला कि नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जाना भी ज़रूरी है, बच्चों के जैसे एग्ज़ाम हो तो फिर इनको लेके जाना। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, सेफ हूँ। और गाइज मैं ना अभी कुछ दिन में ना पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान सी थी, अभी काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा चेंज आया, और मुझे लग रहा है ना ये ना कहीं ना कहीं असर इस चीज़ का है, जिस दिन से मैंने ये पहनी है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंज कराया। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मुझे लगा है कि काफ़ी अच्छा चेंज आया है इससे, है ना, तो मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और इसके बाद क्या हुआ है, आप सबको जैसे कि पता चली गया है मैं जा रही हूँ फॉरन, और वहाँ पर रखा है मेरा बहुत बड़ा सा बैग जो कि पैक होने वाला है, और ना अभी जब सबको पता चल रहा है ना मेरी पैकिंग चल रही है, तो सब कह रहे हैं
हैं तो इतनी जल्दी पैकिंग कर रही है, इतनी जल्दी पैकिंग कर रही है, क्योंकि मैं ना उन पर्सन में हूँ जिन्हें पैकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब घूमने भी इतना नहीं पसंद बट पैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं करके बिल्कुल राजी ही नहीं रहती हूँ। नहीं पड़े क्योंकि बात यहाँ की नहीं है ना, बाहर जाना भी बाहर है, तो फिर इसके हिसाब से सबका सब सामान देखना करना, क्या क्या हम ले जा सकते हैं, कितना वेट ले जा सकते हैं, सारी चीज़ें करनी है। तो करनी स्टार्ट कर दी, सब मजाक उड़ाया जा रहा है कि ठीक है देखते हैं कि क्या क्या लेके जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही थी, शाम से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो मैं पैकिंग में ही लगी रही। आज संडे था, गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, बहुत सारे गणेश जी हमारे यहाँ से जा भी रहे हैं, और मैं खाने खा रही हूँ। खा लीजिए गाइस, क्योंकि आपको पता है ना मेरे अंदर ब्लड की थोड़ी कमी थी, तो उसके लिए ना यही खाती हूँ, चाय पी रहे हैं और बना रही हूँ पुलाव। मैं अपना डिनर इस टाइम कर लूँगी। तो चाय पी लो गाइस। और चाय से मुझे याद आया, अभी ना 2-3 दिन पहले ना हमारी चाची हमें देखने आई थी मुझे, और मैंने चाय बनाई, तो मैं अपनी चाय की इतनी तारीफ करती हूँ कि चाय अच्छी बन रही, कह रही इतनी अदरक भर रखी है चाय उन्हें ना अजीब सी लगी कि शायद वो पीती नहीं है, तो कह रही थी चाय में अदरक ज़्यादा है, वो इस सीज़न में नहीं पीती, कह रही हमारे तो नहीं पीते। तो मैंने बताया कि कान्हा के पापा को, मतलब हमारे घर में सबको चाय ना अदरक वाली ही पसंद है, अब ये लोग तो चाय भरवा भरवा बनाते हैं, मैंने बड़े खुश होकर चाय पिलाई, तो उन्होंने जो कहा ना अदरक वाली चाय, तो देखिए सबका अपना टेस्ट है। मे भी मैं आप सबसे इतनी तारीफ करती हूँ, हो सकता है आपको पसंद भी ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते चाय में, सच में अदरक गर्मी करती है ना, और हमारे तो गर्मी सर्दी हर मौसम में अदरक चलती ही चलती है। और अब बना रही हूँ पुलाव, तो इसके लिए मैंने काट ली हैं सब्जियाँ। बात करते करते ना बहुत जल्दी सांस फूल जाता है, थोड़ा सा बात करूँगी चलूँगी सांस फूल जाएगी। तुमने कहे थे हाँ, तो गाइस जीनू ने कहा था चावल बना दो, और गाइस जीनू की मम्मा क्या बना रही है? मम्मा चिकन। हाँ बेटा। मैं मैम का पता करूँगी। मैम का पता नहीं, मैम को मैसेज कर पूछ कब तक आनी है, छुट्टी पे तो नहीं है मैम? दो पूछूं। क्या हुआ जीनू? कैसे खड़े हो आप? एग्जाम चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, यहीं पे रहेगा, यहीं पढ़ेगा लिखेगा, उस लड़की को लेके जाएंगे। हाँ हाँ खेल ले, तो इससे खेल रही हूँ। मैम को मैसेज से जब करोगे पढ़ाई कौन करेगा? गाइस आपके बच्चे भी ऐसी परेशान करते हैं क्या पढ़ने के लिए? देखो हमारे तो ऐसे करते हैं। चलो जल्दी से बैठ, मैं कॉल कर रही हूँ मैम को। तो डर गई थी क्या? अरे मम्मी की कटिंग करा के आई थी, ये मेरी थाली, तू देखेगी तो बताइए कैसी लग रही, ठीक है? तू तो यार पूछ ही रही, नमकीन भी देखी, नमन करी थाली। जा रही है क्या बुआ? नीम करोली बाबा कब? सब जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अभी डेट फाइनल नहीं है। अच्छा हाँ। तो मैं कहाँ जाना है तेरे को? फोटो में। अच्छा तेरे कहने का ये मतलब है इस फोटो में तू नहीं है? देखिए ये कैसी फोटो है, अपनी फैमिली फोटो में तू रखेगा इसे। अच्छा इस फोटो में जीनू नहीं है, है? खिंचवाऊंगी तेरी फोटो भी। थी ना मीकी के बर्थडे पे जब हम वहाँ गए थे रणथंभौर, जब वहाँ की फोटो है यहाँ पे है। इस फोटो में जीनू भी आएगी, है जीनू? हाँ तो टाइगर की फोटो लगेगी। इधर जीनू नहीं है, टाइगर है यहाँ पे। तो सब लोग आ गए थे शाम को यहाँ पे, चाय के साथ खा रहे हैं पुलाव, एंजॉय कर रहे हैं, और सबकी बातचीत चल रही है अभी बैठ के। खाना वगैरह के एग्जाम्स हैं तो इनको भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, और बहुत टेस्टी बने थे। तो यही रहे, बड़ी माँ पास ले कपड़े पहन ले, आजा कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले। बाय गाइस, मैं तो जा रही घूमने। हाँ तो कपड़े पहन के तो जाएगी, नंगी थोड़ी जाएगी। जल्दी जल्दी पहन लो, जल्दी जल्दी पहन लो। अरे ये बैग क्यों नहीं निकल रहा, ये लड़की कपड़े पहन लेगी इतने तो। अरे ये कपड़े पहन लेगी फिर इसको ले जाना पड़ेगा।
आ जाए। तो बन रही है कढ़ी, तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और सारे मसाले डाले हैं। तो मैंने कढ़ी में डाल के कई तरह के मसाले, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर आपसे बता रही हूँ ये पाँच छः तरह के मसाले डालते हैं। और ना कढ़ी जो है कढ़ी पत्ता, तो वो भी डालते हैं इसमें। पर मतलब खाना मैंने नहीं डाला, तो इसलिए भी डालते हैं। प्याज अदरक का तड़का लगाया, हरी मिर्च का, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। और आज मैंने नहीं डाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पकौड़े के लिए बेसन भी लिया है। इसमें हाँ, तो मैं भैया लालची मसाले अपने लिए थोड़े से बाद में इसको घोल के मिक्स कर लूँगा। सेल्फी से कैमरा है अभिषेक, पहली शॉपिंग कर ली अपनी, तू ही लेगा व्यवस्थित हुआ फिर, मतलब लेकर आते कल परसों शराब शुरू हो जाएंगे। तो गाइस एंड टाइम पर प्रोग्राम बना है और यहाँ पे कान्हा के एग्जाम है, तो दिन में उसकी तैयारी करते हैं और शाम को ही अपने ऑफिस से फ्री होकर आ जाते हैं। देन हम लोग निकल लेते हैं शॉपिंग करने। अभी दो दिन से यही चल रहा है रिपीट मोड में। और गाइस पता क्या है कि ना बड़े बड़े जो भी ब्रांड्स हैं ना, सब में ही विंटर कलेक्शन आना स्टार्ट हो गया है और ना कहीं भी इनके कपड़े वगैरह नहीं मिल रहे, तो फिर वही देखने पड़ रहे हैं। कहीं मैक्स में देख रहे हैं, कहीं स्टैंड मैक्स में, कहीं ग्लोबल रिपब्लिक, और मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना जहाँ पे मिल सकते हैं वहाँ। और ऊपर जहाँ पे थिएटर है ना गाइज, यहाँ पे खुला है कुलचे वाला। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और अमृतसरी कुलचे खाए। मतलब आपको दिल्ली में ही प्रॉपर कुलचे का स्वाद मिल जाएगा, बहुत ही यमी थे। मतलब अगर आप लोग हल्दीराम जाते हैं ना, वहाँ ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो कुलचे बहुत अच्छे लगे, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये सब कुछ था। तो खा पी के हम लोग चल दिए वापस घर। तो हमारी हो गई शॉपिंग, हटाओ स्टैंड है, सब्सक्राइबर से भी मिल लिए और अब खा पी के हम लोग चल दिए। जब आए जब भरा पड़ा, अब सारा खाली हो चुका है। और घर पे ना दोनों बच्चों की फरमाइश आई, डिवा मैडम ने कहा कपड़े लाना, काना ने कहा खाने के लिए लाना। और ये लड़की तो अभी से इतनी ज्यादा कपड़ों की शौकीन है, और पिंक कलर तो इसका फेवरेट है। मतलब पिंक कलर देख ले तो दम। देखा जिन्हों के कितने सुंदर कपड़े आए, पिंक वाले, ओ माय गॉड। वो भी ठंडी हो गए, सर्दी का है ये, गरम है ये, गरम है ये, गरम। अब इसको उतार दे, गरम है ये। जिनो ये क्या कर रहे हो? बता मामा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? पापा को सुंदर सा बना रही है। क्या बना रही है? ये कर क्या रहे हो आप? क्या कर रही है उसके लिए? क्या ये ऐसे क्या कर रहे हो आप पापा के हैंड में? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही, मैं वैक्स कर रही थी। बार तो मालूम मार दिया ना वैक्स ना। मैं हाथ में लगा दो, तुम्हारे हाथ में लगा दो। मैंने सारे ड्रेस का वो निकाल दिया वैक्स, अब तेरे हाथ में लगा। ये वाली गुड़िया प्यारी है, बताओ भाई सब बताओ, ये नीचे वाली गुड़िया प्यारी है कि ये ऊपर वाली गुड़िया प्यारी है? कौन सी गुड़िया प्यारी है? दोनों अच्छी है। नहीं, नीचे वाली ज्यादा अच्छी है, ऊपर वाली इतनी अच्छी दी है। जो नीचे वाली डॉल है वो सुंदर है, जिन्हों इतनी अच्छी नहीं है। की स्टोरी जिसमें सारे बच्चे जाते हैं और वो जाके फ्लाइट में सो जाते हैं, ऐसी एक स्टोरी सुनाएंगे पापा। पापा स्टोरी सुनाओ। उसमें जैसे कान्हा गया था एक बार और कान्हा जाके बह बह रोया था कि मेरे को तो एरोप्लेन में बैठना है। फिर एयर होस्टेस ने समझाया था कि जिसमें आप बैठे हो यही एरोप्लेन है। हमने तरह दिखा दिया, दिखा रहा नीचे देगा, ये फ्लाई करने वाला बेटा, अभी बैठेंगे, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, रुक जा बेटा, अभी रुक जा। काना ना माना कभी भी। जब एक सोनी सी वाई एयर होस्टेस दबा ने बताया, जो दुबई में भी तो मिली, तो एक सोनी सी दुबई की फ्लाइट में मिली, चला रही है तो पत्ते।
ज्यादा ही पता चला डोमेस्टिक में ज्यादा अच्छी रहे इंटरनेशनल सर। आज ये बोला गया वहां होएगा। तो तुम एयर होस्टेस के बारे जा रहे हो? ना एयर होस्टेस ना। हां ना हां क्या? अरे यार मैं तो अच्छा था। क्या? वे ऑफ टॉकिंग। अच्छा। अपना भैया पानी को गिलास या पानी की बोतल तुमने जब अपने कॉनन पे एंटी बांध ली कि अगली बार अपना पानी वानी लेकर चलो, ये तो बच्चे ने भी ना दे बदतमीजी करे। वो तो कर रही है ना। फिर फाइनली ऐसे लग रहा हूँ मैडम है और यहाँ सारे स्टूडेंट बैठे लाइट में। थोड़े बहुत लेबर है यार, तो लेबर को इंसान लग रहा है। हमने आपका हर रोज ब्लॉग देखते हैं और आपको हम सब्सक्राइब और लाइक भी करते हैं आपकी सारी वीडियो को। आप प्लीज एक बार हमें अपनी वीडियो की क्लिप में डालना। थैंक यू। और इनका नाम है पुनीत कुमार शर्मा। पुनीत कुमार शर्मा गाजीपुर से। ये आपके बहुत बढ़िया और छोटे बहन है, इनका नाम जरूर लेना।